बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद रज़ा अली शाह और आप देख रहे हैं कासमी एक्जोटिक बर्ड्स कॉर्नर। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपके साथ आपके बर्ड्स भी ठीक ठाक होंगे। तो शौकीनों के शौक में इजाफ़ा करने एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है गोल्डन फिंच के हवाले से। और अक्सर लोगों की ये कंप्लेन आ रही थी कि गोल्डन फिंच जो है वो सर्दियों में, ख़ास तौर पर ठंड में, उनके चिक्स जो है वो अंडे भी फर्टाइल हो जाते हैं, चिक्स में से अंडों में से चिक्स भी हैच हो जाते हैं, लेकिन वो सेल्फ भी हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ होने के बाद वो मोल्ड क्लियर करते हुए उनकी अमवात वाक़ होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए हम क्या मेडिसिन यूज़ करें, हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए कि वो एक आम जो एक न्यू फैंसियर भी है वो भी गोल्डियंस के बच्चे पाल कर बड़ा कर सके। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करता चलूँ आपको कि गोल्डन फिंच की जो मार्केट है वो आज तक क्यों ख़राब नहीं हुई, इसके बारे में काफ़ी टॉपिक्स पे काफ़ी लोगों ने गुफ्तगू की। तो मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की है, मैंने सोचा मैं आज इस वीडियो में आपको बताता चलूँ कि देखें, जब मार्केट में कोई भी बर्ड जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केट कम हो जाती है। जैसे कि हमारे पास बेंगलीस फिंच है, बेंगलीस फिंच की मार्केट कम होती ज़रूर है लेकिन इतनी नीचे नहीं जाती। उसके पीछे एक स्पेसिफ़िक रीज़न वो ये है कि बेंगलीस फिंच हमारे पास एक लेबर तबका है, मतलब कि उससे हम काम लेते हैं, वो हमारे काम की चीज़ है। जैसे कॉमन ज़ेब्रा फिंच है, वो कॉलोनी ब्रीड, जब एक बर्ड की जब कॉलोनी ब्रीड आ जाती है ना, तो आप समझ लें कि वो परिंदा जवाल पजीर होने की तरफ है, क्योंकि कॉलोनी में आपको पता है कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती और ब्रीड काफ़ी आ रही होती है। जब हर बंदा एक कमरे में 50 बॉक्सेस 100 बॉक्सेस लगा के बैठ जाता है, ठीक है, बाकी अब अल्लाह के हवाले दाना पानी देता रहे, बॉक्सेस में ब्रीड भी आना शुरू हो जाती है, तो फिर इसी तरह उसके रेट्स भी नीचे चले जाते हैं। जिस चीज़ में मेहनत होती है और जो सेंसिटिव बर्ड्स हैं उनकी मार्केट हमेशा ऊपर इसलिए रहती है कि अगर उसमें साल के आपके पास 50 चिक्स भी आ रहे हैं गोल्डियंस के, तो उससे 25 बड़े हो रहे हैं, 20 बड़े हो रहे हैं, तो मार्केट में हर वक्त किल्लत रहती है इस चीज़ की। लेकिन चलें, ये परेशानी भी हम दूर करते जाते हैं, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन जो एहतियाती तदबीर है वो हमारे हाथ में, ठीक है। इंशाल्लाह हम इस जो टॉपिक को लेके चलेंगे इसी हवाले से, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोल्डन फिंचेस के हवाले से होने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और जिन भाइयों, दोस्तों, बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू कर दें। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं, मैंने सोचा कि शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपने पास जो भी पेयरिंग की हुई है उस हवाले से मैं आपको मुकम्मल आगाही दूं। सबसे पहले तो पहले मैंने कॉमन का ये मेल आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन बैक में, ठीक है, रेड हेड ग्रीन बैक और वाइट चेस्ट के साथ ये मेल है, उसके साथ ब्लैक हेड ब्लू बैक और वाइट ब्रेस्ट के साथ फ़ीमेल है, ठीक है। आप ये पेयरिंग चेक करें, पहले मैंने इसके साथ ग्रीन की फ़ीमेल लगाई हुई थी जब मैंने शुरू में शो किया था, बिल्कुल स्टार्ट एक साल डेढ़ साल पहले की बात है, ये मेरा सबसे पुराना पेयर था ये ग्रीन का। तो अब जाके मैंने इसके साथ ब्लू की फ़ीमेल लगा दी है, तो उसके पीछे एक स्पेसिफ़िक रीज़न है, ठीक है। जब आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बिगनिंग से शुरू करते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का नहीं पता होता, तो काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी की मैंने और रियलाइज़ किया अब आगे मार्केट कहाँ से कहाँ जा रही है, ठीक है, बर्ड्स के हवाले से। शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा होता गया तो सोचा वर्किंग करें, असल जो चीज़ है ना वो गोल्डियन में वो है वर्किंग। जब आप वर्किंग पर आ जाएंगे ना तो समझ लें कि आपका शौक़ जो है वो एक लेवल और ऊपर चला गया, एक स्टेप आप और ऊपर चले गए। तो अब जो है इससे जो मेरे पास चिक्स आएंगे ना व्यूवर्स, वो मेरे पास तमाम के तमाम स्प्लिट ब्लूज़ आएंगे, ठीक है, उसमें ब्लूज़ भी आ सकते हैं, लेकिन जितने भी मेरे पास आएंगे वो 101% स्प्लिट ब्लूज़ होंगे, ठीक है। अब स्प्लिट ब्लूज़ आने से क्या फ़ायदा होता है वो भी हम आगे, जब मैंने अपने पास ब्रीड जमा की हुई है पीछे में, उसमें बात करूँगा तो हम इस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे कि भाई अब मैं जो है स्प्लिट ब्लूज़ को ही क्यों कवर कर रहा हूँ, विजुअल पेयर को मैं क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, विजुअल टू विजुअल नहीं लगा रहा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया पेयर नंबर वन हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड पेयर पे जाते हैं। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास सेकंड पेयर है, ठीक है, जिसमें ब्लैक हेड पर्पल ब्रेस्ट और ब्लू बैक में मेल है,
और इसी तरह मेरी होम ब्रीड की येलो बैक, रेड हेड और वाइट ब्रेस्ट में फ़ीमेल है, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर जो फ़ीमेल मैंने लगाई थी नंबर वन के साथ, वो इसी पेयर के साथ थी, जिसकी मेरे पास काफ़ी सारी ब्रीड्स आई ब्लू की। लेकिन अब जैसे कि मैं वर्किंग की तरफ चला गया हूँ, तो अब ये पेयर लगाया, अभी तक इसकी कोई ब्रीड आई नहीं है। अभी इसको महीना ही नहीं होगा, अभी अभी मैंने 2 वीक पहले ही मैंने ये सारी चेंजिंग की है। तो इसको भी लगाने का मकसद यही है कि इसमें से जो भी मेरे पास बर्ड्स आएंगे, वो चाहे येलो में आएंगे तो वो सारे स्प्लिट ब्लूज़ होंगे, और ब्लू में आएंगे तो वो सारे ब्लूज़ ही होंगे, ठीक है। तो स्प्लिट बर्ड्स जमा कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं इस वक्त, क्योंकि स्प्लिट टू स्प्लिट की जब हम लोग पेयरिंग करते हैं आगे जाके, तो उससे हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जैसे इसमें से मेरे पास अगर येलो में कोई स्प्लिट ब्लू बर्ड आता है, ठीक है, इस पेयरिंग से, और ऊपर जो मैंने पेयरिंग की थी ग्रीन के साथ ब्लू की, उसमें से जो भी मेरे पास ग्रीन में स्प्लिट ब्लू की फ़ीमेल आती है, ठीक है, उन दोनों की जब मैं पेयरिंग करूँगा आपस में, तो मेरे पास ब्लू के बर्ड्स भी आएंगे, पेस्टल्स भी आएंगे, डाइल्यूट्स भी आएंगे, और तो और मेरे पास सिल्वर भी आएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी बारीकियाँ होती हैं जिनको आपने कवर करना होता है वक्त के साथ साथ, ठीक है। तो ये आ गया पेयर नंबर 2। अब हम चलते हैं पेयर नंबर 3 की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है मेरा पेयर नंबर 3, ठीक है। इसमें आप मेल को देख रहे होंगे, उसको मुकम्मल लकवा हो चुका है, और अनफॉर्चुनेटली इस लकवे का कोई ख़ास इलाज नहीं है अभी तक। तो बहरहाल मेरे से जो भी मेडिकेशंस हो सकती थी वो मैंने की हैं। तो ये मेरे पास जो है सिल्वर का रेड हेडेड का मेल है, और उसके साथ ब्लैक हेड, वाइट ब्रेस्ट और ब्लू बैक की फ़ीमेल है। अच्छा, ये जो मेरे पास फ़ीमेल है ना, ये इसी मेल में से ही निकली हुई है, ठीक है। इस मेल के साथ पहले मैंने सिल्वर की एक फ़ीमेल लगाई हुई थी, जिसका इंतकाल हो गया था लास्ट ब्रीडिंग सीज़न में। तो उसकी क्लच में से जब ये मेरे पास 2 चिक्स आए थे, दोनों फ़ीमेल्स निकली थी, एक ये फ़ीमेल है और एक और है, ठीक है। बहरहाल इस मेल के लकवे पे मत जाइएगा आप, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह पाक का जितना एहसान शुक्र अदा करूँ उतना कम है, कि जितने भी क्लचेस आते हैं इस पेयर में से, वो सब के सब फर्टाइल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने इसके चिक्स फॉस्टर किए हैं, तो अभी फ़िलहाल इसके चिक्स वो ब्रीड आई नहीं आती, तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। तो चलिए हम अभी चलते हैं। अच्छा, इसकी जो पेयरिंग से हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं, आपको पता है सिल्वर भी जो है वो ब्लू में से ही निकला हुआ बर्ड है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो है इम्पैक्ट जो है वो ब्लू के ऊपर ही होता है, और सिल्वर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरे पास तो एक ही सिल्वर बच्चा आया था जो मर गया था, बाकी मेरे पास ब्लूज़ ही निकलते हैं इसमें से ज़्यादातर। तो ये भी एक बड़ी अच्छी पेयरिंग है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये पेयर नंबर 3 था, तो अब चलते हैं पेयर नंबर 4 की तरफ। जी तो व्यूवर्स, ये है मेरे पास पेयर नंबर 4, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट पेयर है, और माशाल्लाह से आप ये मेल चेक कर सकते हैं। अब मैंने स्प्लिट बर्ड्स की बात की थी जहाँ तक, तो ये बर्ड जो है स्प्लिट ब्लू है, पहली इसकी खासियत। दूसरी, ये डाइल्यूट बर्ड है, और आप इसका हेड चेक करें, ब्लैक हेड है, नज़र आपको ये ग्रे आ रहा है लेकिन ये ब्लैक हेड है, ठीक है। जब ब्लैक हेडेड बर्ड जो है डाइल्यूट फॉर्म में जाता है, तो उसकी जो कलर वेरिएशन है वो वीक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर वो ग्रीन बर्ड है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और ब्लैक हेडेड है तो वो ग्रे हेड नज़र आता है। कहलाएगा ये ब्लैक हेडेड ही, लेकिन दिखेगा ये ग्रे हेड, तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। अच्छा, डाइल्यूट बर्ड के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करता चलूँ, कि डाइल्यूट बर्ड जितने भी होते हैं वो सब के सब मेल्स होते हैं, उसमें फ़ीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो बहरहाल इसकी मेरे पास, मैंने इसके साथ फ़ीमेल लगाई हुई है ब्लू की, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह की पेयरिंग करें, और आपके पास इसी तरह के अच्छे अच्छे रिज़ल्ट हैं, और आपके शौक में इजाफा हो। फीमेल भी दिखाता हूँ, इन्होंने दोबारा से एग लेइंग शुरू कर दी है, इनके पीछे चिक्स भी मेरे पास आए हैं, वो भी मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए इसकी फ़ीमेल देखते हैं। जी तो इसकी फ़ीमेल बाहर आ गई, आप फ़ीमेल चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से भरपूर साइज़ में, और ये भी मेरी होम ब्रीड की है, सिल्वर में से ये भी एक फ़ीमेल निकली थी मेरे पास ब्लू की। और जो इनके चिक्स होते हैं वो भी बड़े अच्छे साइज़ में होते हैं, आप देख सकते हैं, लैलिक ब्रेस्ट है, ब्लैक हेड है, और ब्लू बैक है, माशाल्लाह। तो इसके भी जो चिक्स आते हैं मेरे पास, वो डाइल्यूट भी आते हैं, ठीक है। अच्छा,
इसकी मेल की एक और ख़ासियत बताना मैं भूल गया था कि वो ये येलो बीक में, ठीक है, येलो बीक में होने की वजह से, क्योंकि ये येलो बीक होता है तो इसका जो हेड है वो येलो का स्प्लिट हुआ, ठीक है, अगर ये ब्लैक हेड में से निकला हुआ है। तो अब जो इसके जो चिक्स आ रहे हैं वो मेरे पास ऑरेंज हेड में भी आ रहे हैं, ब्लैक हेड में भी आ रहे हैं, डिफरेंट कलर्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो यही आप बर्ड को जब भी लें तो उसकी ख़ासियतें चेक करें कि उसमें क्या क्या ख़ासियत है। अब इसके जो अपने भी चिक्स आ रहे हैं वो भी मेरे पास येलो बीक में आ रहे हैं, तो अभी मैं इन्होंने दोबारा से जो एग लेइंग शुरू कर दी है वो भी आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दो अंडे हो गए, तो एग लेइंग जारी रहेगी तकरीबन 4 अंडे 5 अंडे 6 अंडे जब तक, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फोस्टरिंग की तरफ जाएंगे। व्यूवर्स, ये एक ही मेरे पास अभी पेयर है इस वक्त जो कि विजुअल फॉर्म में, ठीक है, और सबसे पुराना पेयर है मेरा, आप इसको कह सकते हैं। मेल जो है इसमें डबल फैक्टर में है, ठीक है, रेड हेडेड येलो बैक और वाइट ब्रेस्ट में डबल फैक्टर का मेल है। अच्छा, जो इसमें फीमेल्स होती हैं वो डबल फैक्टर्स में नहीं होती, फीमेल्स हमेशा सिंगल फैक्टर में होती हैं। सिर्फ ब्लू की जो फीमेल्स हैं वो सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर दोनों में होती हैं, बाकी येलो ग्रीन की फीमेल जो है वो हमेशा सिंगल फैक्टर्स में ही होती हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अभी दोबारा से ब्रीड की हुई है, और एक फ़ीमेल मैंने नीचे ब्लू के साथ लगाई थी, आपने देखी होगी, वो इसी पेयर की है। और जो है बाकी इसके और भी चिक्स मेरे पास आए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वो बर्ड्स हैं जो मैंने जब सेटअप शुरू किया था 2 साल पहले, तो ये तब मैंने ख़रीदे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कायम दायम है। आप सबकी दुआओं से अल्लाह पाक का बहुत करम हुआ है। तो इसकी भी मैं आपको एग लेइंग आई हुई है वो भी दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 3 eggs हो गए हैं इसके, तो इसकी भी जिस तरह ही इसकी एग लेइंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम इंशाल्लाह फोस्टिंग की तरफ जाएंगे। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास जो पेयरिंग है डाइल्यूट इनटू ब्लू की फ़ीमेल के, ये 5 chicks हैं माशाल्लाह, और ये सारे चिक्स जो है वो स्प्लिट ब्लूज़ हैं, ठीक है। इसमें एक ब्लू का चिक था जो कि बचपन में ही मर गया, सही है, तो बाकी के मेरे पास इसमें एक सिल्वर है, 2 जो है वो तकरीबन येलो के हैं और 2 डाइल्यूट्स हैं। अच्छा, इनमें ऐसा है कि अब इसमें मेरे पास जो येलो में निकलेंगे वो कुछ जो है वो ब्लैक हेड में निकलेंगे, जो भी जो कि काफ़ी रेयर है और मुझे भी काफ़ी पसंद है, और जो डाइल्यूट में आएंगे वो येलो हेड में भी आएंगे, और इसके अलावा वो क्या नाम है ग्रे हेड में भी आएंगे। तो माशाल्लाह से इस और येलो बीक में भी इसमें बर्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। इसमें जितने भी येलो में आ रहे हैं वो येलो बीक में ही हैं, रेड बीक में नहीं है। ये देखें सामने बैठा हुआ बिल्कुल येलो बीक में है ये बर्ड। तो आप इनका हिसाब किताब देखें कि एक ही आप जो है पेयरिंग ऐसी करें कि जिसमें आपके पास डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, तो ही आपको मज़ा आता है काम करने का, ठीक है। आप ये माशाल्लाह से देख सकते हैं। और दूसरा एक और मैं आपको बताऊँ कि ये बर्ड जो है अभी फोस्टिंग पेयर के पास हैं, ये भी मैंने अलग नहीं किए फोस्टिंग पेयर से, ठीक है। अब आप इनको चेक करें, माशाल्लाह से बेहतरीन इनका रिज़ल्ट है, ज़बरदस्त है, और इनको डेली बेसिस पे मैं जो है धूप लगवाता हूँ। तो जो हमने शुरू में बात की थी कि गोल्डियंस को जो है वो आप जो है धूप लगवानी चाहिए उनको, क्योंकि अक्सर लोगों के पास जो है वो चिक्स बड़े नहीं हो रहे होते, तो मेरे पास जो बाकी मैंने चिक्स रखे हुए जो सेल्फ हैं प्योरली, तो उनको मैं डेली बेसिस पे जब बाहर निकालता हूँ तो साथ में मैं इनको भी छोटे वाले केज में निकाल लेता हूँ बाहर, ताकि ये भी थोड़ा सा आधा घंटा 15 मिनट जितना भी है जितना भी मैं टाइम दे सकता हूँ वो मैं इनको धूप में रखता हूँ, ताकि इनको एक नेचुरली भी एक चीज़ मिले। मेडिकेशंस में हम बेशक इनको CA+D3 दे दें, ठीक है, कुछ भी देते रहें, लेकिन जो चीज़ इनको नेचुरली मिलेगी ना, ये उसमें जो है भरपूर मज़ा करेंगे। तो आप अभी देख सकते हैं कि धूप में ये किस कदर एक्टिव नज़र आते हैं, ठीक है, और धूप ये बड़े अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं। तो आप अपने बर्ड्स को धूप ज़रूर लगवाया करें, ताकि जो है आपके ख़ास तौर पे गोल्डियन के चिक्स जो हैं ताकि वो एक्टिव रहें और उनकी अमवात में जो है वो कमी आ सके। तो मैं आपको बाकी भी अपने जो गोल्डियंस हैं वो भी दिखाता हूँ। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसमें जो भी मेरे पास गोल्डियन की जो भी ब्रीड आती है होम ब्रीड, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसमें 15 से 16 जो है वो गोल्डियन के चिक्स हैं,
और इसमें सारी वैरायटी मौजूद है, येलो की भी है, ग्रीन की भी है, डाइल्यूट्स की भी है और ब्लू की भी है। और इसके अलावा एक मेरे पास इसमें ब्लू स्टार है और एक जो है मेरे पास कट थ्रोट की एक फ़ीमेल है जो कि पट्ठा है, जो कि मैंने बाहर से परचेज़ किया। बाकी गोल्डियंस में जितनी भी है वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी होम ब्रीड है। वो इंशाल्लाह आगे जो मेरा इरादा है स्प्लिट पर वर्किंग करने का, स्प्लिट ब्लूज़ पर, उस चक्कर में मैंने अपनी ये ब्रीड काफ़ी सारी मैंने अपने पास रोकी थी लास्ट ईयर की जितनी भी थी ना। कुछ मैंने बर्ड सेल किए थे लेकिन बाकी मैंने मोस्टली मैंने रोक लिए थे अपने पास। तो अभी आप देख सकते हैं ये येलो का सामने बैठा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, पैर भी आपने देखा हुआ है, ये ब्लू के। अच्छा, ब्लू में एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि स्प्लिट में मैं क्यों वर्किंग कर रहा हूँ। असल में जो ब्लू है ना, बाकी की ब्लड लाइंस में ब्लू जो है वो काफ़ी वीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ब्लू के और सिल्वर के चेक्स जो है उनके रेट्स हमेशा ऊपर ही रहते हैं। उसकी वजह यही है कि उनके बच्चों में अमवात बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। वो अगर 20 बच्चा आ रहा है तो वो 5-6 बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो इसलिए मैंने भी स्टेप लिया कि मैं जो है स्प्लिट पे वर्किंग करूं। स्प्लिट्स के रिज़ल्ट ही बहुत ज़बरदस्त थे और स्प्लिट की वर्किंग में से जो आपके ब्लू के बर्ड्स निकल रहे हैं ना, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बन जाती है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बर्ड जो है वो धूप काफ़ी इंजॉय करते हैं बर्ड्स। आप इनको धूप लाजमी दिया करें। अच्छा, दूसरी बात, गोल्डियन के चिक्स जब आप जो है माँ बाप से अलग करें तो उनको फौरन ही स्कैट लगा दिया करें, या तो ठीक है स्कैट अगर नहीं लगा सकते तो एक मॉक्सीवेट आती है, वो भी स्कैट की ही कंपनी की है, अब उसका इनको कोर्स करवाएं। ठीक है, इसके बाद इनको रोनीवेट का लाजमी कोर्स करवाएं, स्पार्क का शुरू में कोर्स करवाएं रोनीवेट से पहले, क्योंकि बर्ड जो है काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है माँ बाप से। आप उसको फ़ौरन अलग करेंगे ना तो वो डिस्टर्बेंस में आ जाता है, तो स्पार्क का कोर्स करवा दिया आपने एक दो दिन का, फिर उसके बाद आप उसको रोनीवेट SER 12% का कोर्स करवा दें। ठीक है, फिर आप जो है बर्ड को ग्रेजुअली लेके चलें, जब वो मोल्टिंग पर आता है तो आप उसको मल्टीवेट बीटा फॉर्म की आती है या वर्सी लगा की, इन दोनों में से एक है, आप मल्टीवेट मंगवाएं, वो मोल्टिंग एड के साथ होती है, मल्टीवेट विद मोल्टिंग एड, वो मोल्ट क्लियर करते हुए ना अक्सर बर्ड्स की अमवात हो रही होती हैं। तो आप मल्टीवेट मंगवाएं, मल्टीवेट इनको मुसलसल चलाएं तकरीबन 10 दिन। ठीक है, फिर उसके अलावा जो भी आप जो है मल्टीविटामिन बर्ड्स को दे रहे हैं या कैल्शियम वगैरह दे रहे हैं वो इनको ग्रेजुअली चलाते रहें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और जो भी एग फूड आप जो है अपने सेटअप में चलाते हैं तो वो भी इनको आप देते रहें ताकि ये एग फूड पे भी आधी रहें। ठीक है, तो साथ साथ हर एक चीज़ चलती रहती है बेहतरीन। फ्लाइंग के लिए आप इनको अगर बड़ा केज दे सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो फ्लाइंग में आपको पता है कि बर्ड ज़्यादा खुश होता है और उसकी नशोनुमा में बहुत ज़बरदस्त किस्म की तब्दीली आती है। व्यूवर्स, कोशिश तो मैंने पूरी की है कि गोल्डियंस के हवाले से जितने लोगों के मसले मसाइल थे, जो भी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हुए थे, उस हवाले से मैं अपना टॉपिक क्लियर करूं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो जिस भाई को भी कोई ना कोई परेशानी हो, कोई भी ब्रीड में कोई मसला आ रहा हो, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन हाज़िर है आपकी तरफ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो उस हवाले से भी आप मुझे बता सकते हैं। मज़ीद किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है वो भी आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आपकी खिदमत में ज़रूर पेश होंगे दोबारा से। अपने होस्ट सैयद रज़ा अली शाह को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।